नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे। और नगर नियोजन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, और इस वैकेंसी की हम लोग बात करें तो अस्थाई है, स्थाई नहीं है। और इसमें जो हमारी सैलरी है वो फिक्स रखी गई है 39,300, मतलब 39,300 रुपये। तो इस भर्ती के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। 43 पद हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले इसको भर सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे इसमें एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है, और भी बातें जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं नगर नियोजन विभाग के द्वारा 43 पदों पर आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति की जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो नियुक्ति होने वाली है अस्थायी आधार पर हो रही है। तो इसमें लिखा है यह नियुक्ति पूर्णतः आवश्यक अस्थायी आधार पर 6 माह की अवधि अथवा आरपीएससी से नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक। ठीक है, इनका क्या कहना है कि जैसे आरपीएससी ने 2018 में टाउन प्लानर कहा जाता है इसको, ठीक है, क्या कहा जाता है, असिस्टेंट टाउन प्लानर। तो आरपीएससी ने 2018 में टाउन प्लानर की जो है वैकेंसी निकाली थी, तो इस वैकेंसी के वापिस आने तक या 6 महीने हो, मतलब इनका ये प्लान भी हो सकता है कि 6 महीने के अंदर आ जाए, तो मिनिमम 6 महीने तो देखो आपको रखेंगे। ठीक है, 6 माह की अवधि तक रखेंगे, उसके बाद जब तक आरपीएससी के द्वारा ये वैकेंसी निकाल के ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक आपको रखा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी पहले हो तक के लिए होगी। ठीक है, या तो 6 माह के लिए रखेंगे या फिर आरपीएससी 3 माह के अंदर 4 माह के अंदर आपको निकाल के रख लेते हैं तो उसके लिए रखेंगे। देन अगर चयनित अभ्यर्थी प्राप्त न होने की दशा में जो नियम है कार्मिक विभाग के द्वारा, तो उसके बाद इसमें अभिवृद्धि की जा सकेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें अभिवृद्धि की जा सकेगी, और जैसे ही कोई नया कैंडिडेट आ जाएगा तो अपने आप इस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये है, तो सोच समझ के भरना, फीस बहुत ज़्यादा है बहुत ही, लेकिन ठीक है, आई थिंक एक्सपीरियंस वाइज सिविल वालों के लिए बहुत ज़्यादा सही है। तो इसमें सीटों की बात करें, टोटल सीट है 43, जिसमें जनरल के लिए, जनरल यूआर के लिए कितनी निकली है यहाँ से, टोटल देखेंगे तो 14 है, जिसमें से 10 मेल, 3 फीमेल और 1 विडो के लिए। देन ईडब्ल्यूएस की 5 सीटें हैं टोटल। एस सी एस टी वालों के लिए, एस सी के लिए 9 है, एस टी वालों के लिए 4 हैं, और बी सी के लिए 9 है, 2 है एम बी सी के लिए। ठीक है, देन निःशक्त जन के लिए 1 और एक्स सर्विस मैन के लिए 2। तो ये सीट का क्राइटेरिया पूरा, ये जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है। उसके बाद बाकी की जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं कि विधवा को क्या, मतलब कौन से सर्टिफिकेट लाने होंगे, निःशक्त जन के लिए कौन से लाने होंगे। ठीक है, एक चीज और, अगर अनुसूचित जातियों यथास्थिति या फिर अनुसूचित जनजातियों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उससे क्या कर दिया जाएगा, जनरल के स्टूडेंट को वो उस सीट पे बिठा दिया जाएगा, मतलब जनरल के स्टूडेंट इस पे आ सकते हैं। देन अनिवार्य शैक्षिक जो योग्यताएं हैं वो ज़्यादा जरूरी है, डिग्री इन आर्किटेक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी, जिसको बी आर्किटेक्चर नाम से एक डिग्री हुआ करती थी, अब पता नहीं अभी भी होती होगी बी आर्किटेक्चर, और क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट या फिर सिविल इंजीनियरिंग ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन टाउन सिटी। तो सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग की उसके साथ में पीजीडी होता है, जो डिप्लोमा होता है, पोस्ट डिग्री डिप्लोमा, ये जो टाउन प्लानिंग प्लानिंग है इसमें होना चाहिए, और हिंदी आनी चाहिए, राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। और फिक्स रेमुनरेशन है 39,300 रुपये हर महीने मिलेगा 6 महीने तक। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा 1/1/2022 रखी गई है, अधिकतम 40, मतलब 20 साल से 40 साल के बीच का अगर कोई भी व्यक्ति है तो वो भर सकता है। देन हम आते हैं भारत का नागरिक हो, ठीक है, नेपाल, भूटान, तिब्बत शरणार्थी, भारतीय मूल का व्यक्ति, ये सारी बातें हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो मेरे को लगता नहीं कोई बाहर का भरेगा 6 महीने के लिए, अपनी ऐसे तैसे कराने आएगा, या कोई शरणार्थी वगैरह, भारत का नागरिक ही भरेंगे। देन में जो छूट दी गई है, 5 साल की अधिकतम आयु की छूट दी गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सेम ऐसा ही वाली छूट दिखाई दे रही मेरे को जो ऐसा ही में थी। देन सामान्य वर्ग की महिला, राजस्थान की ईडब्ल्यूएस की महिला अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी 5 वर्ष की छूट दी गई। देन 10 साल की एस सी एस टी ओबीसी की महिलाओं को दे रखी, विधवा वगैरह को कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आप भर सकते हो जब तक चाहो तब तक। ठीक है, भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपने दोष सिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटांटिव तौर पर सेवा कर चुका था, इन नियमों की नियुक्ति के पात्र होगा। तो ये किसके बारे में, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई, परंतु यह 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी। तो ये सारी बातें एज को लेके, और आवेदन स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से। ठीक
ठीक है, 10 तारीख से रात को 24 तारीख तक। और आयोग की वेबसाइट, सॉरी, इसकी अर्बन राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट है, वहाँ जाके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है। ठीक है, वहाँ पे पूरे निर्देश दिए गए, रिक्रूटमेंट पोर्टल, OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के फॉर्म भरना है। और अब की फीस, इनकी जो फीस है वो फीस है 1400 रुपये बाकी लोगों के लिए, देन नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 1000 रुपये, और जिसकी 2.5 लाख से कम आई या SC ST वाले उनको 600 रुपये देने होंगे। देन लिखित परीक्षा में 80% लाने हैं, मतलब जो लिखित परीक्षा होगी उसका 80% जुड़ेगा। इंटरव्यू के 20 नंबर जुड़ेंगे। नगर नियोजन स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष का भरांक कितना होगा? 10 नंबर का। ठीक है, जो अभी आपने देखा है, अब जब मैंने क्वालिफिकेशन बताई, मतलब एकेडमिक का 10% जोड़ा जाएगा, पूर्णांक कितने हो गए? 110 नंबर के। इसमें से मेरिट बनेगी पूरी। लिखित परीक्षा 360 अंकों की होगी, जिसका 80% जुड़ेगा, और साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ 20 अंकों का होगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण को 10 अंक, ये जो बताया गया है, अगर प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो तो उसको पूरे 10 नंबर मिलेंगे। सेकंड से द्वितीय श्रेणी में, मतलब 50% से अधिक और 60% से कम, तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, उसके अलावा 3 नंबर मिलेंगे, फेल वाला तो मान लो मतलब ही। ठीक है, उसके बाद वरीयता सूची तैयार की जाएगी, और ये सारी बातें लिखी गई हैं। परीक्षा का केंद्र जयपुर में होगा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों जयपुर में होंगे। लिखित परीक्षा की डेट भी आ गई 28 फरवरी 2021, मतलब 28 फरवरी 2021 को ये आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र भी डाउनलोड कर पाओगे आसानी से। देन MCQ टाइप की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, MCQ टाइप की ऑफलाइन परीक्षा 120 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर के प्रत्येक होंगे। साक्षात्कार के लिए 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो आप लोगों ने फॉर्म तो भरना आता ही होगा आपको, हम बात करते हैं, सीधे आते हैं सिलेबस पे। तो इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट ऑफ अर्जेंट टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट, देखो इसमें वापस लिखा हुआ है टेम्प्रेरी अपॉइंटमेंट, कहीं पे भी इस वर्ड को छोड़ा नहीं गया है, जिसका मतलब क्या होता है? अस्थाई। कहीं पे भी इस वर्ड को छोड़ा नहीं गया है। तो नेचर, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग इन एंशिएंट मेडिवल, मतलब पूरा का पूरा जो आई थिंक टाउन प्लानिंग का सिलेबस दे रखा है, और इसमें राजस्थान GK से कुछ लेना देना नहीं है। आपको सारा सिलेबस का पढ़ना है, जो सिविल वाले होंगे वो सिलेबस उनको पता होगा। कुछ एक स्कीम्स हैं, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, स्मार्ट सिटी, हृदय योजना और अमृत योजना। ठीक है, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा मिल सकता है करंट का या इधर उधर से, बाकी सारा आप लोगों के सब्जेक्ट का है जो भी हैं सिविल वाले। ठीक है, तो भर्ती है, देख लेना अपने हिसाब से। फीस तो बहुत ज़्यादा है वैसे भी, और नेगेटिव मार्किंग होगी, फीस बहुत ज़्यादा है, 1400 रुपये फीस रखी गई है, 6 महीने 39,300 रुपये। अगर ये सोचते हो कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपीरियंस बेस पे जाना चाहो तो जा सकते हो, अदरवाइज आप लोगों का खुद का स्वविवेक है, सोच समझ के जाना। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।